सबको प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम कृतिका शर्मा है, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ IEEE डिपार्टमेंट UIT पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में। ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब मैंने ये वर्कशॉप का टाइटल देखा ह्यूमन वैल्यूज़ पे, तो मुझे ऐसा लगा कि ह्यूमन आई वॉज फीलिंग रिजर्व्ड फॉर दिस कोर्स, बिकॉज मुझे ऐसा लगा कि ह्यूमन वैल्यूज़ को ये क्या सिखा सकता है। ये तो हमारे संस्कार होते हैं जो ट्रैवल करते हैं, और अगर मुझे उसको इम्प्रूव करना है तो या तो मैं खुद करूँगी या मेरे अपने मुझे कराएंगे। कोई बाहर से आकर कैसे बता सकता है कि हम इसको कैसे बेटर कर सकते हैं। बट हाँ, ड्यू टू सम कंपल्शन मैंने डे वन अटेंड किया। शाम को घर जाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं शायद नहीं करना चाहती। मैं ब्लैंक थी बिल्कुल, मुझे कुछ समझ में नहीं आया पूरा दिन। बट सम कंपल्शंस थी, घर से भी आया कि एक और दिन लगा के देख लो। तो नेक्स्ट डे मैं आई, तो मुझे कहीं ना कहीं इंस्टिंक्ट मेरा जागा कि कुछ ऐसा सर ने बोला जो हाँ मेरे साथ भी हो रहा है। ऐसा मुझे लगा कि जो सर कह रहे हैं वो तो हमारे घर में भी चल रहा है या हमारे सिस्टम में चल रहा है। ऐसी डे थ्री पे आके मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं भी हूँ और मेरे अंदर कुछ है जो कुछ और कह रहा है। मतलब मैं जो फिज़िकली कर रही हूँ, मैं एक इंटरनल फीलिंग भी ले पा रही थी, क्योंकि उस दिन कुछ सेल्फ और फिज़िकल बॉडी की बात हो रही थी कि सेल्फ रियलाइजेशन क्या होती है। सिमिलरली डे फोर पे और अच्छा लगा। डे फाइव पे थोड़ी कन्फ्यूजन बढ़ गई, क्योंकि हम जैसे जैसे सेल्फ से फैमिली पे आए, फिर हम सोसाइटी पे आए, तो ऐसा लगा कि बहुत कुछ बढ़ चुका है, पता नहीं मैं समझ पा रही हूँ कि नहीं। सिक्स्थ डे सेवन्थ डे आकर इतना अच्छा लगा कि मतलब खुद ही टाइम पे आने का मन किया और कोई थकावट नहीं हो रही थी घर जाकर। सबसे बड़ा जो मैं यहाँ से सीख पाई, सेल्फ रियलाइजेशन, जो मेरे मन में क्लिक भी करा, और मैंने अपने आप से ये कहा कि जो मेरे पे पंक्तियाँ सही बैठी इस सब के बाद कि सेल्फ क्या होता है, वो नहीं जो मैं सोच रही थी, बट वो कुछ पंक्तियाँ हैं। बुरा जो देखकर मैं चला, बुरा ना मिला कोए, आपन जो मन खोलिया मुझसे बुरा ना कोए। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मैं समझदार हूँ, मैं अपने हिसाब से चीज़ें कर रही हूँ, मुझे पता है चीज़ों को कैसे करना है। कहीं ना कहीं एक डिक्टेटरशिप माइंड में आती थी, चाहे वो घर में था बाहर था, क्योंकि जब मैंने बच्चों को पढ़ाना है तो उनका मन करना चाहिए पढ़ने का। जिस दिन मैंने सोच लिया कि आज हेल्दी डे होगा तो मैं भी हेल्थ देखूंगी, मैं अपने हस्बैंड की भी देखूंगी, घर वाले भी फॉलो करें। मैंने कभी ये रियलाइज़ नहीं किया कि जिस दिन मुझे रियलाइजेशन हुई कि आज हमने एक हेल्दी डे चलाना है, तो क्या मेरे हस्बैंड का भी मन था? मे बी उसका मन नहीं हो, मे बी उसका मन हो कि आज हम कहीं बाहर जाएं। जिस घंटे मुझे अपने बच्चे को पढ़ाना था उस टाइम वो पढ़े नहीं पढ़ता था, तो मुझे इरिटेशन होती थी, क्योंकि मेरे पास वही एक घंटा था पूरे दिन में से उसको देने के लिए, और जब वो रिएक्ट करता था तो मुझे गुस्सा आता था। हम यहाँ 9 से 6 बैठते थे, 1 से 2 लंच होता था, मैं अपनी छोटी बेटी के लिए घर जाती थी क्योंकि वो खाना नहीं खाती। अब उस एक घंटे में मुझे होता था कि मैं खाना खिला दूँ इसको, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि उसका मन भी है वो वॉमिट कर दे नहीं, लेकिन मेरी सेटिस्फेक्शन थी कि नहीं, मैंने उसको खाना खिलाना है, क्योंकि उसने फिर गेम खेलने जाना है, वो कर पाएगी नहीं। सिस्टम में भी ऐसा हुआ, जो कोलीग्स तो मेरे से अच्छे से बात कर रहे हैं, मैं उनको रिस्पॉन्स दे रही हूँ, जो मेरे से नहीं बात कर रहे मैं उनको अवॉइड कर रही हूँ। तो कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें थी मन में जो मुझे रियलाइज़ हुआ कि इट इज़ नॉट कि मुझे औरों के पोटेंशियल को बदलना है, इट इज़ कि मेरे में ही कमी है, मुझे ही अपने पोटेंशियल को बदलना है, मुझे उनकी कॉम्पिटेंस पे नहीं, मुझे अपनी कॉम्पिटेंस पे काम करना है। इससे वो लोग मुझे इफेक्ट नहीं करेंगे। और जो सबसे बड़ा टेक अवे मैं समझ पाई इन दिनों में, वो ये था कि यू बिफोर सी, इट मीन्स आई हैव टू अंडरस्टैंड बिफोर आई कन्विंस अदर्स। अभी शायद कन्विंसिंग ही चल रही थी, क्योंकि रियलाइजेशन नहीं थी कि पहले मुझ में भी कमी हो सकती है। तो वो मैंने रियलाइज़ किया, और मैं अब एक्साइटेड हूँ इस फीलिंग के साथ कि जब अब मेरे घर में ऐसा माहौल बना इन 8 दिनों में, जैसे लगा कि एक वेकेशन टाइम चल रहा है, हम इतना बाहर घूमते हैं, बाहर जाते हैं, अच्छा लगता है, लेकिन कभी घर में ऐसा रियलाइज़ नहीं हुआ, क्योंकि ना कोई गुस्सा था, ना कोई जी हार जीत थी कि मैंने कहा तो ऐसे करो। ऐसे ही अब मैं एक्साइटेड हूँ कि कल को स्टूडेंट्स आएंगे तो मैं उनके साथ एक नए व्यवहार से बात करूँगी, एजुकेशन एकेडमिक्स के साथ मैं उनको शायद कुछ मॉरल वैल्यूज़ के बारे में भी बता पाऊँ। तो इस कोर्स से जो हुआ है वो एक एक्साइटमेंट आई है लाइफ में, एक अच्छे ढंग से जीने के लिए, जिससे मैं और जो मेरे से कनेक्टेड हैं उनका शायद कुछ अच्छा हो पाए। धन्यवाद।